साथ मिलके न केवल इनका स्वागत किया बल्कि मां बहनें सभी एक साथ मिलकर गुहार लगा रही थीं कि राहुल जी आप ही से केवल उम्मीद है, अब इस देश में किसी से कोई उम्मीद नहीं बची है, आप ही न्याय दिला सकते हैं, कोई दूसरा न्याय नहीं दिला सकते हैं। इसलिए हम अभिनंदन करते हैं कि आंख में आंख डाल के आज मोदी का मुखालफत कोई करने वाला है देश में तो हमारा नेता राहुल गांधी है और कोई नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं लेफ्ट के साथियों को और महागठबंधन के साथियों को जो पूरे मुस्तैदी से राहुल जी के साथ लड़ने में तन्मयता दिखाते हैं। नेता राहुल गांधी है और कोई नहीं है। आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, हम जानते हैं कि आप राहुल जी को सुनना चाहते हैं। हम दो मिनट के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आके आपको आशीर्वचन दे और पूर्णिया के मित्रों को ललकारें इस बात के लिए कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के झंडे के नीचे आज 30 जनवरी है, महात्मा गांधी की शहादत दिवस। इस अवसर पर पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व उन्हें नमन कर रहा है। पूर्णिया के धरती में हम सब महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं। मंच में उपस्थित आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय शकील जी, सभी हमारे गठबंधन के पदाधिकारीगण, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी विधायक साथीगण, सांसद और विधायकगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, आदरणीय साथियों, पूरे देश में डर का माहौल है, डराने की कोशिश की जा रही है और आपने देखा कि किस प्रकार से ईडी आईटी का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन साथियों, जो कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे उनका दावा खोखला है। यदि उनके दावे दम होता तो बिहार में नीतीश बाबू को अपने साथ में नहीं लेते। वो डरे हुए हैं सत्ता खो जाने के लिए। नीतीश बाबू, मैं आया तो यहां गठबंधन में थे, पता चला कि मुख्यमंत्री जी राज्यपाल को इस्तीफा देने जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के फिर से शपथ लेना है। नीतीश बाबू, देश में एक अकेला प्रदेश बिहार है। अभी कुछ दिनों से विपक्ष बदलता है, मुख्यमंत्री नहीं बदलते। कुर्सी कितनी लालच, बिहार के धरती में जहां उसूलों सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी जाती है, जहां सामाजिक न्याय की यह धरती है, वहां सत्ता परक कुर्सी से चिपके रहने वाले लोगों को क्या बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? यह धरती क्रांतिकारियों की धरती, यह धरती परिवर्तन की धरती और यह धरती अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों की धरती। आज इस मंच में से मैं कहना चाहता हूं कि ईडी आईटी का डर नहीं है। लालू जी को 10 घंटा बिठाए झारखंड के मुख्यमंत्री को खोज रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 300 एफआईआर हुआ है, 200 तो अभी हुआ है, परसों में आया तब। इतना डराने की कोशिश, ये डरा नहीं रहे।
ये खुद डरे हुए हैं और डरे हुए हैं इसलिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, मैं बहुत ज्यादा देर राहुल जी और आपके बीच नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति है जो आपके मुद्दे आपकी समस्याओं को आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति है जो देश को तोड़ने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के पद यात्रा कर रहे हैं और मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं। किसके लिए? ये आपके लिए, नौजवानों के लिए, उनके लिए जो खेती में खेत में मेहनत करते हैं, ये उनके लिए जो माताओं बहनों को इज्जत के साथ जीने सर ऊपर ऊंचा उठा के जीना देना चाहते हैं, ये उनके लिए जो देश में एकता कायम रहे, चाहे कोई परेशानी हो, चाहे पोस्टर फाड़े जा रहे हो, चाहे गाड़ी में पथराव किए जा रहे हो, चाहे FIR किए जा रहे हैं, चाहे परमिशन मिले ना मिले उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी भारत के सच्चे सपूत आज आपके बीच में आए हैं, देश को जोड़ने के लिए आए हैं, आपको ताकतवर बनाने आए हैं और आपको अपनी शक्ति पहचानने के लिए ललकारने आपके बीच में आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ जोरदार राहुल जी के नारा लगाएं, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो, एक साथ सब लोग नारा लगाएंगे, सभी की मुट्ठी आसमान में हो और आप सब नारा लगाएं, राहुल गांधी आगे बढ़े, राहुल गांधी आगे बढ़े, राहुल गांधी आगे बढ़े। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद। अब RJD से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहां इस रैली में पधारे हम अपने सहयोगी मित्र अशफाक करीम साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो आके अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय सम्मानित राहुल गांधी जी, जो हमारे पूरे भारतवर्ष के, हमारे गठबंधन के, इंडिया के आप बहुत बड़े सम्मानित नेता हैं, आपकी तरफ पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ नज़र लगाए देख रहा है, टकटकी लगाए देख रहा है कि वो दिन जल्द से जल्द आए कि आप पूरे देश की बागडोर संभालें। राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई भी जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, हमारे श्री तीर्थंकर भट्टाचार्य जी बैठे हैं और जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, जो भी लोग हमारे गठबंधन के साथ हैं, उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमें पूरे देश में राज करने के लिए, पूरे देश को संभालने के लिए, चाहे रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, एक नौजवान है। और जब एक नौजवान प्रधानमंत्री देश का होगा तो जाहिर है कि काया पलट जाएगी, बहुत से रोजगार यहाँ आ जाएंगे, बहुत से इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, स्वास्थ्य सेवा सुधर जाएगी, शिक्षा सुधर जाएगी और साथ साथ जो किसानों की दयनीय हालत जो NDA सरकार ने कर रखी है, भाजपा की सरकार ने कर रखी है, मैं समझता हूँ बहुत जल्द सुधरेगा। वो दिन आने वाला है, वो दिन 2-3 महीने के अंदर आ रहा है। आप लोग बिल्कुल एफिडेविट लें, आप लोग कसम खाएं कि हम लोग माननीय राहुल जी को लाएंगे, जल्द से जल्द लाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल आपकी तरफ है, आपने माननीय अखिलेश जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे आपने सुना कि कल हमारे सम्मानित लीडर, हमारे नेता को कल बहुत देर तक, सुबह 11 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ED ने बैठाल करके रखा और आज हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी को बैठा करके रखा है। आप सोचें, नहीं तो आज वो इस सरजमीन पर होते और भी रुख बेहतर होता। बहरहाल
हम वो ख्वाब देख रहे हैं जिस ख्वाब के जरिए शर्मिंदा ताबीर होगा और आप प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता आपके साथ है, सीमांचल की जनता ही नहीं, कोसी की जनता, बिहार की जनता आपके साथ है। और जब अखबार पढ़ता हूँ, मीडिया को देखता हूँ, मीडिया को छोड़ दें, सोशल मीडिया को जब भी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सब लोग आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि जल्द से वो दिन जल्द से जल्द आए ताकि आप इस हुकूमत को, बागडोर को संभाल सकें और डगमगाते हिंदुस्तान को अपने राह पर ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब हम इस देश में गरीबों, मजलूमों, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले सीपीआई एमएल के नेता, राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य साहब से आग्रह करते हैं कि वो आकर अपनी आवाज बुलंद करें और इस इलाके को बखूबी जानते हैं। पहले भी यहाँ महागठबंधन की रैली में हुंकार भर चुके हैं दीपांकर भट्टाचार्य साहब। लाल सलाम। साथी अध्यक्ष जी, इस मंच पर मौजूद साथी राहुल गांधी जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश जी, बिहार के कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, मंच पर मौजूद हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम, पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल जी, मंच पर मौजूद अन्य तमाम महागठबंधन के नेतागण और इस रंगभूमि मैदान में उपस्थित संघर्षशील साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, आप सबको मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की ओर से इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। ये धरती पूर्णिया की हमारे महान साहित्यकार हिंदी के फणीश्वरनाथ रेणु, बंगला के महान साहित्यकार सतीनाथ भादुरी, कम्युनिस्ट आंदोलन के महान नेता नक्षत्र मालाकार अजीत सरकार की धरती है। इस धरती को नमन करता हूं और आज का दिन महात्मा गांधी के शहादत का दिन है। गांधी जी को तो हम लोग साल भर, हम लोग क्या पूरी दुनिया याद करती है, लेकिन आज के दिन खास तौर पर हम सबको ये याद रखना चाहिए कि आजादी के सिर्फ 6 महीने के अंदर, आजादी मिलने के बाद हमारे आजादी के सबसे महान नेता महात्मा गांधी की हत्या किन ताकतों ने, किस विचारधारा ने क्यों किया था। और आज वही ताकतें हैं जो हिंदुस्तान पर राज कर रही है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज इस समय इस देश को बचाने के लिए हम लोग एकजुट होकर के लड़े। राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा सबसे पहले की, आपने नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश दिया और अभी हम देख रहे हैं कि 14 तारीख मणिपुर से जो यात्रा शुरू हुई, जहां सबसे ज्यादा इस समय पूरे मणिपुर को बर्बाद किया जा रहा है, हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है, उस जगह से अपने न्याय के अधिकार की आवाज, हक की आवाज को बुलंद करते हुए आपने यात्रा निकाली। मैं इस यात्रा की संपूर्ण सफलता की कामना करता हूं। इस यात्रा के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मैं यहां मौजूद हूं और हमारे साथी यात्रा जहां जहां से गुजरेगी इस यात्रा के समर्थन में हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे तमाम कार्यकर्ता जरूर आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के लड़ेंगे और यात्रा को सफल बनाने में मदद करेंगे। साथियों, इस पूरे एक ऐसे दौर में आज हम लोग यहां इकट्ठे हैं, हमें पता है कि हिंदुस्तान में हमारे संविधान हर रोज उस पर हमला हो रहा है, हर पहलू से, संविधान का कोई भी पहलू। अभी 26 तारीख को हमने गणतंत्र दिवस मनाया, 74 साल पूरे हो गए संविधान के। उस संविधान ने जो कहा कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, संप्रभु गणराज्य होगा, हर पहलू से
उस संविधान की लगातार उसकी हत्या की जा रही है। अभी हमने देखा 22 तारीख को राम मंदिर उद्घाटन के नाम पर किस तरह से घालमेल कर दिया गया धर्म और राज्य का। संविधान के मुताबिक हिंदुस्तान के राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य अलग है, धर्म अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले साल जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, एक राजकीय आयोजन होना चाहिए था, जहां हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को होना चाहिए था, वहां राष्ट्रपति नजर नहीं आई, वहां तमिलनाडु से सारे संत पुजारी उनको बुला के लाया गया और एक राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल प्रधानमंत्री को दिया गया। तो जो राजनीतिक आयोजन होना चाहिए था उसको बना दिया गया धार्मिक आयोजन। और अभी मंदिर का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मंदिर बन रहा है, उस आधा अधूरा मंदिर अभी पूरा बना भी नहीं, उसके उद्घाटन के मौके पर उसको एक पूरा राजनीतिक आयोजन बना दिया गया और लगा कि नरेंद्र मोदी अपने पूरे 2024 के चुनाव अभियान की शुरुआत उस अयोध्या से राम के नाम पर कर रहे हैं। तो इस देश में सब कुछ अब उलट पुलट हो रहा है, संविधान को उलट करके अपने सर के बल खड़ा किया जा रहा है, उस संविधान को फिर एक बार पैरों के बल पर खड़ा करते हुए उस संविधान के अंदर जो हमारे साथ ही जो आप न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, आजादी, भाईचारा, बराबरी जो संविधान ने हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए वादा किया, उसको हासिल करने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। पूर्णिया के साथियों को जरूर याद है पिछले साल 25 फरवरी को महागठबंधन की एक बड़ी सभा इसी मैदान पर हुई थी और उस समय नीतीश जी हमारे बीच में थे। 2022 के 9 अगस्त आ गए थे इधर और उन्होंने कहा कि हम इधर ही अब रहेंगे, अब कहां उधर जाएंगे। लेकिन अभी 17 महीने पूरे होते होते नीतीश जी वापस गए। क्यों गए ये तो समय बताएगा, नीतीश जी बताएंगे। लेकिन दो चीजें हमें बहुत साफ दिख रही है, एक कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पूरी सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है। इस देश में कहीं भी कोई विपक्ष की सरकार, कोई गैर भाजपा सरकार ना चल सके, इस पर भारतीय जनता पार्टी आमादा है। महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के बाद अब बिहार में यह तख्ता पलट कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि झारखंड में हमला हो रहा है, पश्चिम बंगाल में लगातार हमला हो रहा है, कर्नाटका में जहां चुन करके फिर कांग्रेस की सरकार बनी उस सरकार के लिए आर्थिक दिक्कतें पैदा की जा रही है, पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां उसके लिए दिक्कत पैदा की जा रही है। पूरे देश में विपक्ष की सरकारों को कहीं चलने नहीं देना चाहती। तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता चाहिए थी, अब ये तो नीतीश जी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मदद उन्होंने क्यों की। जो दूसरी बात मुझे लगती है कि बिहार में एक एजेंडा सामने आ रहा था, बिहार के अंदर जो जाति आधारित सर्वे हुआ पहली बार पूरे देश में एक शुरुआत हुई और हमने पूरे देश के लिए मांग की कि जाति आधारित जनगणना हो। उस सर्वे ने हमें बताया कि बिहार के अंदर किसकी कितनी आबादी है, लेकिन उस सर्वे ने और एक चीज हमें बताने का काम किया कि बिहार आज भी हिंदुस्तान के सबसे गरीब प्रदेशों में है। जितने भी हम विकास की बात कर लें, उस विकास के आड़ में भयंकर गरीबी बिहार के अंदर, 6000 रुपए से कम आमदनी ऐसे परिवार वो एक तिहाई है, और अगर 10000 से कम आमदनी वाले परिवारों को आप देखेंगे तो लगभग दो तिहाई। तो बात हो रही थी कि बिहार से गरीबी मिटाने के लिए हमें कदम उठाने की जरूरत है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हुई, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का 75% करने का फैसला हुआ, शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पक्की नौकरी की बात शुरू हुई नौजवानों के लिए। तो हमें लगता है कि बिहार से जो ये जो एजेंडा बन रहा था रोजगार का, सामाजिक न्याय का, जाति आधारित जनगणना का, इस पूरे एजेंडे को खत्म करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आज ये तख्ता पलट किया गया है।
हमारी पार्टी भी हमने 24 तारीख से 30 तारीख तक का एक अभियान लिया था। 24 तारीख कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर समस्तीपुर जाकर के हमने शुरू किया। बिहार आज भी कर्पूरी जी को याद करता है। दो दो बार मुख्यमंत्री बने थे, लंबे समय तक राज करने का मौका नहीं मिला, कुछ ही समय के लिए मिला, लेकिन जब मौका मिला उन्होंने आरक्षण की शुरुआत की। उस आरक्षण के अंदर पूरे मुस्लिम समाज के बहुत सारी जातियों को भी उन्होंने शामिल किया, महिलाओं को शामिल किया, शिक्षा के विस्तार के लिए काम किया और जेलों से राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए काम किया। कभी समझौता नहीं किए कुर्सी बचाने के लिए। तो आज हमारे नीतीश जी जो बिहार में अभी तक 9 बार शपथ ले चुके हैं, पता नहीं और कितनी बार शपथ लेना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले और बिहार में पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 17 से ज्यादा, तो आज नीतीश जी जब नाम लेते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के, तो हम तो कहेंगे कि भाई कर्पूरी जी एक संघर्ष के प्रतीक थे, कर्पूरी जी सत्ता के प्रतीक नहीं थे, कर्पूरी जी समझौते के प्रतीक नहीं थे और सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों के हक के लिए लड़ते रहे हैं। और इसीलिए बिहार में कर्पूरी जी की विरासत को भी आगे बढ़ाना हो, पूरे बिहार के अंदर सामाजिक न्याय और भूमि सुधार की लड़ाई को अगर तेज करना हो, इस पूरे बिहार के अंदर संपूर्ण लोकतंत्र की हिफाजत और संविधान की रक्षा की लड़ाई को तेज करना हो, ये जिम्मेदारी आज हम लोगों के कंधों पर है। और पूरे बिहार और देश के वामपंथियों की ओर से हम बिल्कुल कहेंगे कि आज का ये जो दौर है, जैसे आजादी के आंदोलन का दौर था, अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर के आजादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी बिल्कुल उसी तरह उस आजादी के आंदोलन से, आजादी के साथ साथ हमें जो लोकतंत्र मिला, हमें जो संविधान मिला, उस लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत करने के लिए, आज देश को बर्बाद करने के लिए, पूरे देश में एक देश को तहस नहस कर देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साजिश चल रही है, इस साजिश को चकनाचूर करने के लिए आज हमें एक होना पड़ेगा। गांधी जी की विरासत इस देश के अंदर, अंबेडकर की विरासत इस देश के अंदर, भगत सिंह की परंपरा इस देश के अंदर, अंबेडकर पेरियार की परंपरा, इन तमाम परंपरा को मानने वाले लोग, विचारों को मानने वाले लोग मिलकर के लड़ना होगा। और हमने जो लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, बिहार के अंदर पहले से महागठबंधन था, वो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और रहेगा, और मजबूती से लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में बिल्कुल हम लोग करारी शिकस्त देंगे और इस देश को बचाने का काम करेंगे। आपने हमें मौका दिया, आमंत्रित किया, मैं खड़गे जी का आभार प्रकट करता हूँ, राहुल जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। दीपांकर बाबू बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम लोगों ने अखबार के माध्यम से कल घोषणा किया था कि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस रैली में आने वाले हैं, लेकिन लालू जी और तेजस्वी जी को ही केवल नहीं रोका गया। सिलीगुड़ी में, बागडोगरा में जहाज उतर रहा है, पटना में जहाज उतर रहा है, सूर्य भगवान सब जगह आपको दिख रहे हैं, लेकिन डिफेंस मंत्रालय का एयरपोर्ट है वहां विजिबिलिटी नहीं है, ये कह के खड़गे साहब के जहाज को उतरने नहीं दिया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं इस रैली के माध्यम से। आदरणीय खड़गे साहब ने अपना एक छोटा सा संक्षिप्त भाषण उन्होंने आपके लिए भेजा है। मैं आग्रह करता हूं कि राहुल जी को आमंत्रित करने के पहले वो भाषण चलाया जाए। नमस्कार। मेरी बहुत इच्छा थी आज पूर्णिया में आपके पास आने की, पर मौसम खराब होने के वजह से मैं नहीं पहुंच सका। आप जानते हैं कि हम आज राजनीति के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब बड़े बड़े लोग अपने स्वार्थ में छोटे छोटे फायदों के लिए अपनी जमीन का सौदा कर लेते हैं, पर हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति है
जो सिर्फ सिद्धांतों की राजनीति करता है, जो राजनीति के माध्यम से लोगों को सिर्फ देने की सोचता है, कभी कुछ खुद के लिए पाने की नहीं। राहुल गांधी जी वर्तमान राजनीति में एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने लिए त्याग, तपस्या और बलिदान का रास्ता चुना है। हमारे लिए एक गर्व की बात है कि राहुल जी ने हर एक भारतीय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने वाले का संकल्प लिया है। साथियों, आज का दिन दो मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 76वां शहादत दिवस है और दूसरा 2023 में आज ही के दिन श्रीनगर में राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान मिला, यही महावीर और गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है। ये भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, बाबू जगजीवन राम, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता अनगिनत दिग्गजों से एवं स्वतंत्रता सेनानियों की है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस भूमि पर मौका परस्ती और लोभ लालच की राजनीति हावी हो गई है। जो बिहार दुनिया को प्रकाश देता था, उसकी पहचान अब आया राम गया राम की राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई है। पर हमारे पैर छोटे मोटे कारणों से डगमगाने वाले नहीं है। कोई रहे या जाए, हम अपने उसूलों को छोड़ने वाले नहीं है। पर हमारे पैर छोटे मोटे कारणों से डगमगाने वाले नहीं, कोई रहे या जाए, हम अपने उसूलों को छोड़ने वाले नहीं है। हम में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद की रूह है। हम इन्हें कायम रखने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को सम्मान देने में कमी नहीं रखी। महागठबंधन की सरकार ने वर्षों से ठप विकास यात्रा को गति देने के प्रयास किया तो मोदी और शाह को चुभ रह गया, पसंद नहीं आया। उन्होंने बिहार के सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। बिहार के विकास के लिए यूपीए सरकार में 2,00,000 करोड़ रुपए दिया गया था। इसमें 6 पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत कई बड़े काम हुए। लेकिन मोदी सरकार जी ने बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया। जो मदद मिलती थी वो भी बंद हो गई। चुनाव से पहले 1,15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा मोदी जी ने पटना के गांधी मैदान में की, पर वो पैसा कहाँ गया कोई नहीं जनता। बिहार ने 40 में से 39 सदस्य भाजपा गठबंधन को दिया, लेकिन मोदी जी ने बिहार की जनता को इसके बदलों में कुछ नहीं दिया, बिहार को पीछे ही ढकेला। मैं पूर्णिया की सभा में आए लोगों को खास तौर पर कहना चाहता हूं कि इस इलाके की एकता को तोड़ने के लिए बीजेपी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कार्ड खेलती है। आप लोगों को बहुत सावधान रहना है। कट्टरता से कभी किसी देश या किसी कौम का
भला नहीं हो सकता। 2014 और 2019 के मुकाबले में आज कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। इसी से बेचैन बीजेपी सहयोगी दलों को तोड़ने का, उनमें दरार डालने का काम कर रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी सभी जुटे हैं। महाराष्ट्र और बिहार में जो हुआ वो खेल जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी के परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर भी ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं सरकार, और सरकार को अस्थिर करने का खेल खेला जा रहा है। आपसे अपील है कि ऐसा करने वालों का सजा जरूरी देना है। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवालों का वो जो वायदे किए थे उसके उलट काम किया। आरएसएस, बीजेपी बराबरी की बात केवल भाषणों में करती है, हकीकत में वो अमीरों को अमीर और गरीबों को और गरीब बनाती है। उद्योगपतियों को मालामाल करने के लिए सालों बने नेशनल असेट्स उनके हवाले करने में संकोच नहीं करती। आने वाले चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ी जा रही है, और ये चुनाव ऐसा ही होगा। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये देश के वास्तविक मसले हैं। हम इन्हीं का बात करते हैं और इन्हें ही पूरा करने के लिए लोगों से वोट मांगते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विचारों को घर घर तक पहुंचाएंगे। आप सब ने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय कांग्रेस। नमस्कार, धन्यवाद। अब इंतजार खत्म हुआ और दोस्तों अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। मैं उस शख्स को बुलाने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लेकर के, पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के मोहब्बत का देवता मोहब्बत के सफर पर है। मैं चाहता हूं कि एक एक हाथ उठे, आपकी तालियां आदरणीय राहुल गांधी जी को आवाज दें। आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच में आ रहे हैं। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चराग था, जलना पड़ा मुझे। आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच में। भूपेश बघेल जी, अखिलेश सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मदन मोहन झा जी, तारिक अनवर जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, कन्हैया कुमार जी, मोहम्मद जावेद जी, अहमद अशफाक करीम जी, अलायंस के नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी, महबूब आलम जी, कुणाल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अभी जब अखिलेश जी का भाषण चल रहा था तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं आपको। सुनना है,
तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री, दो तीन मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं, और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं, भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं, भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम पांच न्याय की बात कर रहे हैं, उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। मैंने पहले भाषणों में कहा है कि इस देश में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं। हर समाज में कमजोर लोग हैं, ओबीसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है। मगर अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इस देश में ओबीसी समाज की आबादी कितनी है, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। दे सकते हैं? कोई नहीं जानता। और मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देश के किसी भी सेक्टर को देख लो, सरकार की बात करनी है तो मैंने पिछले भाषणों में कहा, जो देश की सरकार को चलाते हैं 90 अफसर हैं, आईएएस के अफसर हैं, 90 में से 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। और अगर 90 अफसर पूरे के पूरे बजट के बारे में निर्णय लेते हैं, तो ये ओबीसी अफसर 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। तो सरकार में ना ओबीसी की, ना दलित की, ना आदिवासी की भागीदारी है। सरकार को छोड़िए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजिए, उनकी लिस्ट निकालिए,
उनके मालिकों के नाम पढ़िए, आपको उन नाम में से एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। मीडिया को देख लीजिए, अखबारों को देख लीजिए, टीवी को देख लीजिए, एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग का आपको नहीं मिलेगा। रिपोर्टर मिल जाएंगे, उनको भी कोने में बैठा रखा है, जो उनके दिल में वो बोल नहीं पा रहे हैं, मगर सीनियर मैनेजमेंट में और मालिकों में आपको एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी नहीं मिल सकता। प्राइवेट एजुकेशन के सिस्टम को देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, प्राइवेट अस्पताल देख लीजिए, एक मालिक आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी का नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ यह सवाल पूछ रहा हूं कि अगर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो यह तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। अब सवाल बनता है पहला कदम क्या होना चाहिए। किसी को चोट लगती है, पहला काम डॉक्टर कहता है, पैर में चोट लगती है, पहला काम डॉक्टर कहता है ऐसे करो, एक्सरे जाके कर लो। एक्सरे करने के बाद साफ पता लग जाता है कि हड्डी कहां से टूटी है। सही बात, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। एक एक्सरे हो जाए, उसके बाद एमआरआई भी हो सकता है, मगर पहले एक एक्सरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए, जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, गरीब इतने हैं, किसान इतने हैं, मजदूर इतने हैं, भूखे इतने हैं, आदिवासी के इतने लोग हैं, इसमें आदिवासियों में अलग 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 ट्राइब्स के इतने इतने लोग हैं, दलित इतने हैं, इसमें दलितों में ये अलग अलग लोग हैं, ये भूखे मर रहे हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का यही मतलब है, और सामाजिक न्याय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है। अब बात समझिए, नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ, अब दूसरे साइड से प्रेशर आया, बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए,
आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है, नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे, मिलके हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। यह हुई बात सामाजिक न्याय की। अब मैं आपको आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूं। आपने मुझे अभी वो माला दिया, मखाने वाला माला, उसको लाइए यहां जरा, कहां है वो? मैं एक मिनट में आपको आर्थिक अन्याय समझाने जा रहा हूं। ये बिहार के मखाने इतने मजेदार है, ये खा गए होंगे उनको। खा गए? देखो खा गए। लाओ 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 लाओ, उसको लाओ, थोड़ा मजा भी आना चाहिए। आ रहा है? ये आ गया। ये देखो कितना सुंदर मखाने का माल कि माला है। अब ये देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, इसको यहां लाइए। ये दस तकरीबन 10 किलो का है, ठीक है, इसको यहां रख दीजिए। ये बिहार के गरीब किसानों का खून पसीना है, सही बात है। ये बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर, घंटों पानी में बैठकर ये हमें दिया है। 10 किलो का है ये। आपको मालूम है ये अमेरिका में कितने का बिकता है? अमेरिका में अगर आप इसको बेचोगे, जो बिक रहा है अमेरिका में, ये बड़ा बिक रहा है आजकल। वहां पे फैशन आ गया है कि मखाना खाएंगे, बिहार का मखाना खाएंगे। सबसे पहले उनको मालूम नहीं है ये मखाना कहां से आता है, पहली बात ये है। मगर मेरा सवाल आपसे, ये 10 किलो का की जो माला है, ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी? चुप हो गए? मैंने नेट पे देखा, अभी देखा, ये माला 15,000 रुपए के लिए अमेरिका में बिकेगी। 15,000 रुपए 10 किलो के लिए। अब मुझे बताओ, इसमें से 15,000 रुपए में से बिहार के किसान को कितना रुपया मिल रहा है? बिहार का किसान 250 रुपए किलो के बेच रहा है, मतलब 2,500 रुपए 10 किलो के लिए। ये 15,000 रुपए, गलती की मैंने, ये 15,000 रुपए 1 किलो का, मतलब ये माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए जाएगा। गलती कर दी, सॉरी।
1.5 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है, और यहां पे हमारे किसान को 250 रुपए प्रति किलो, 2500 रुपए 10 किलो के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा कहां रहा है? किसके हाथ में जा रहा है? ये किसान के हाथ में तो नहीं जा रहा ना। तो ये देखिए, इसको कहते हैं आर्थिक अन्याय, और ये हर चीज में हो रहा है। जो मैकेनिक गाड़ी बनाता है, जिसने इस माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया, मोबाइल फोन को जो ठीक करता है, जूते बनाता है, टी शर्ट बनाता है, जो भी हाथ से काम करता है, उसके साथ हिंदुस्तान में भयंकर अन्याय हो रहा है। इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा। मैंने आपको बोला कि 10 किलो की माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए बिक रही है, आप हैरान हो गए। एक लाख पचास हजार रुपए ये पड़ा हुआ है हमारे सामने, इसमें से 2-3 हजार रुपए किसान के जेब में जा रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? सबसे बड़ा अन्याय है। तो जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये 1,50,000 रुपए की माला है, तो कम से कम 30-40 हजार रुपए तो किसान के हाथ जाए। अगर मैकेनिक काम कर रहा है, मोबाइल फोन को कोई ठीक कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, उसकी उसको अपनी मेहनत का सही फल तो मिले। और जहां भी देखो हिंदुस्तान में, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया आपको, जहां भी देखो जो गरीब है, कमजोर है, हाथ से काम करता है, उसको अपनी तपस्या का फल नहीं मिलता देश में। तो ये दो बातें मैं आपसे कहना चाहता था। एक, किसकी कितनी आबादी है, ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, और उनमें से कितने गरीब हैं, कितनों के पास सरकारी नौकरी है, कितने कंपनी में काम कर रहे हैं, देश का एक्सरे। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 1.5 लाख रुपए के की माला में से हमारे किसान को 2,500-3,000 रुपए क्यों मिल रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा है? यही दो सवाल है हिंदुस्तान के सामने। बाकी सब आपके ध्यान को इधर उधर करने की बात है। अब आप कहोगे इसमें बिहार का क्या रोल है, बिहार को क्या करना है? हजारों साल से यह प्रदेश इस देश को सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दिखा रहा है। सोशल मूवमेंट होती है, देश जागता है तो बिहार से जागता है। गांधी जी के आज हम याद कर रहे हैं, उनकी तपस्या चंपारण में शुरू हुई थी, बिहार में शुरू हुई थी। इसलिए मैं आपको यहां कह रहा हूं, बीजेपी के लोग आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सबसे जरूरी मुद्दे के बारे में बात शुरू कर दो। और दो ही मुद्दे हैं, आर्थिक न्याय
जो मैंने आपको यहां दिखाया, और सामाजिक न्याय जिसको मैं एक्सरे कह रहा हूं, और वो भी पहला कदम है। भाई और बहनों, पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले, समुद्र के तट से शुरू किया, चलते गए चलते गए चलते गए, हिमालय तक चले, आप सब हमारे साथ चले थे। बीजेपी देश में नफरत और हिंसा फैला रही है, इनका लक्ष्य यही है कि आप हिंसा में नफरत में उलझे रहो, एक भाई दूसरे से लड़े, और आप आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात मत करो। और भारत जोड़ो यात्रा ने देश में एक नया रास्ता दिखाया। यात्रा में बिहार के लोग हमारे साथ चले, बंगाल के लोग चले, और आपने हमें कहा देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हो, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसमें से आप यात्रा क्यों नहीं कर रहे हो। बात बिल्कुल सही थी, इसीलिए हमने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। मणिपुर से क्यों? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया है, सिविल वॉर का माहौल बन गया है, लोग मर रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए। मणिपुर में शुरू किया, नागालैंड, अरुणाचल, बंगाल, असम, और अब हम बिहार आए हैं। यात्रा में हम लंबे भाषण नहीं करते, 15-20 मिनट बोलते हैं, 6-7 घंटे आपकी बात सुनते हैं। आज सुबह चाय की दुकान में हमने 3-4 परिवारों के साथ चाय पी, उनकी बात सुनी। बस में लोग आते हैं, हम पैदल चलते हैं, पदयात्रा में चलते हैं, क्यों? आपके दिल में जो है वो हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हम अपनी मन की बात नहीं रखना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और यात्रा में हमने पिछली यात्रा में एक नारा निकाला था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और पिछले 2 दिन आपने यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोली है, इसके लिए दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जहां भी हम गए हैं वहां बिहार के युवा, माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, सब ने यात्रा का समर्थन दिया, अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा को दी, और जितनी भी मोहब्बत दे सकते थे आपने हमें दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में आपसे यह कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय से बड़ी कुछ बात नहीं है, यही है हिंदुस्तान का भविष्य। अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय हिंदुस्तान की जनता को देना ही पड़ेगा। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हम अपने नेता माननीय राहुल गांधी जी का हृदय से आभार हैं। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं
राहुल जी कि हम मोदी जी के आगे, नीतीश कुमार जी के आगे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और अंत में हम माननीय सांसद राज्यसभा सदस्य रंजीता रंजन को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आग्रह करते हैं। धन्यवाद। आज मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले को इंचार्ज कपूर साहब और हमारे बीच दोनों जो हमारे को इंचार्ज है उनका धन्यवाद करते हैं। और एक ही बात से मैं अपनी बात को खत्म करती हूं कि जो ये वक्त है, जो ये समय है, जो माननीय राहुल गांधी जी ने आज आप लोगों को कहा सच है। विपत्ति जब आती टायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, छड़ एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। 2024 का चुनाव अब हम लोगों के बीच में है, हम घबराने वालों में से नहीं है। और एक ही बात मैं कहूंगी कि जो स्थिति है उसमें प्रेमचंद जी जो गांव से बहुत जुड़े हुए थे, ये परिषद ना रेणु की भी धरती है, जिन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता को सीधे सामने आने में लाज लगती है, इसलिए वह राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के आते हैं। हम एक बार फिर से आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक ही बात, एक ही दुर्योधन और महाभारत को याद करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। जो न्याय अगर तो आधा दो, जो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे, दुर्योधन वो भी ना दे सका, आशीष समाज की ना ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार भरी, हरि ने भीषण हुंकार भरी, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज ढोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बना के साध मुझे, जंजीर बना के साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। आज इसी की जरूरत है, अगर लोकतंत्र को बचाना है और अपने वोट देने के राइट को बचाना है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी कहा, जो बात राहुल जी भी कहते हैं, तो इस बार आपको उनके खिलाफ, भाजपा की नीतियों के खिलाफ मत देना ही पड़ेगा, भारत को जोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा आपके जो वोट देने का अधिकार है ये भी सांप्रदायिक ताकतें आपसे छीन के ले जाएंगी। इतना ही कहकर आप सबका एक बार फिर से अपने लीडर राहुल गांधी जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू का, तमाम फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रंजीता जी। अब सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है।